तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि हम सबके सब श्री राधा दामोदर व्रत इसी महीना में और श्री कार्तिक महीना उर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की, राधा रानी ये अधिष्ठात्री इसी महीना की, और इसी महीना में आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा के संबंध में श्रवण करने जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, एक तो डायरेक्ट परिक्रमा करना और एक होता है मानसिक रूप में करना, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर हमको ब्रज प्रेम चाहिए, बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिल ईद उपदेश सार। जितने सारे उपदेश में ये श्रेष्ठ उपदेश है, ब्रज में रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर बोलेंगे अगर सबके सब ब्रज में आ जाए, डॉलर कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए पैसा के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। कहते अगर हम शरीर से वास नहीं कर सकते हैं, कहते मानस के रूप में भी हम वास कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी रहे, अगर हम मानसिक रूप में भगवान की कथा सुने, ठाकुर का मंगल आरती करें, तुलसी परिक्रमा करें, रोज घर में हरि कथा सुने, मानसिक रूप में उसका फल भी पूरा के पूरा उसका फल भी मिलता है। इसलिए एक छोटी सी कथा आती है, ये कथा को ध्यान से सुने। बोले एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, वो रोज सत्संग सुनता था, लेकिन उसके मन में बड़ी भावना है, अगर मेरे पास में पैसा होता तो ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर बनवा देता, ठाकुर के लिए सुंदर सिंहासन स्थापन करता, लक्ष्मी नारायण को स्थापन करते हुए दूध दही शहद घी पंचामृत को द्वारा और फूल धूप दीप आदि को द्वारा हम ठाकुर जी को बड़े सुंदर ठाकुर को श्रृंगार करता, लेकिन मैं बेचारा गरीब हूँ। एक दिन उन्होंने सत्संग में सुना, ठाकुर जी को अगर मानसिक रूप में भी कोई ठाकुर को पूजा सेवा करे तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करते। वो सुनकर के बड़े खुश हो गया, फिर तो मैं रोज रोज ठाकुर जी का मानसिक सेवा करूंगा, मन मन में सेवा करूंगा। एक दिन ऐसे रोज सेवा करते 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 मानसिक रूप में पूरा धीरे 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 उसका जो लगन एकदम भक्ति में एकदम उसकी लगन लग गई। एक दिन इतना भक्ति रस में उसने डूब गया, इतना डूब गया, ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर बनवाए, सोने के सिंहासन बनवाए, लक्ष्मी नारायण को गंगा पानी ला करके लक्ष्मी नारायण को पंचामृत दूध दही घी और शहद को द्वारा ठाकुर जी को खूब पंचामृत से स्नान कराया, और ठाकुर जी को बड़े सुंदर मखमल वाले कपड़े में कोपरे में सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी का काम जिसमें हो, बड़े कीमती ठाकुर जी को मानस के रूप में ठाकुर जी को उनने श्रृंगार किया। सोचा आज ठाकुर जी को मैं खीर भोग लगाऊंगा, बड़े सुंदर गैया घी लाए, काजू पिस्ता किशमिश लाए और ठाकुर जी को मिश्री दे करके ठाकुर जी को बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी को उन्होंने खीर बनाया। बोले ठाकुर को सोने की कटोरी में आज ठाकुर को भोग लगाऊंगा, लेकिन ये नियम होता है एकदम गर्म गर्म चीज जैसे हम नहीं खा सकते हैं, थोड़ी सी ठंडा करके खाते हैं, लेकिन गर्मी में जैसे ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं, ठंडी का समय में हमें गर्मी का चीज अच्छी लगती है। उसने देखा ये खीर ठंडा ना गर्मी, उसने अपना अंगुल को वो खीर को अंदर में डाला, डालते ही वो खीर था गर्मी, जब उसने अंगुल डाला उसका अंगुल फुफला पड़ गया, जल गया। जल गया तो वो जो ध्यान में बैठा हुआ था और वहां कुछ है ही नहीं लेकिन केवल मानसिक रूप में, जब वो ध्यान में बैठा हुआ था उसका ध्यान टूट गई और उसने देखा उसका अंगुल जला हुआ फफला पड़ा हुआ।
अभी बैठ बैठ करके रो रहा है, आज ठाकुर जी को मैंने भोग नहीं लगा सका क्योंकि मेरा जो अंगुल वो खीर में जल गई, इसलिए जो खीर ये हो गया अपवित्र हो गया। आज ठाकुर जी भूखे रह गए, अभी बैठ बैठ करके रो रहे। इतने में वैकुंठ में नारायण माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण की सेवा कर रही थी और नारायण बैठ बैठ करके तो मुस्कुरा रहे। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आज आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उनने सारी घटना सुनाया। मरते जगत में ऐसे मेरे भक्त है, वो मानस के रूप में भी सेवा करते 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 उसने खीर भोग लगाने के लिए उसने अंगुल डाला तो उसका अंगुल फुफला पड़ गया। वो सोचा ठाकुर का आज मैं सेवा नहीं कर पाया, इसलिए बैठ बैठ करके वो भक्त रो रहा है। बोले प्रभु जी मरते जगत में ऐसे भक्त रहते? बोले हाँ, मेरे बड़े प्यारे प्यारे भक्त रहते। बोले मेरे को वो भक्तों को दर्शन करा। बोले चलो तेरे को जा करके दर्शन कराते। फिर उन्होंने गरुड़ जी को पीठ पर बैठ करके आए। बोले देखो ये भक्त कैसे बैठ करके कैसे रो रहा है। फिर ठाकुर जी वो भक्तों को भी गरुड़ को पीठ पर बैठाए और उसको सीधा अपना धाम में ले गए। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम लोग कहीं भी हो, अगर मानस के रूप में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप लोग तो ब्रिजबेन में बैठे हो, हैं? और ब्रजबन है, ब्रिजबेन नहीं ब्रजबन है, ब्रजबन है। इसलिए आप लोग आज हम लोग मानसिक रूप में भले ही शरीर में कहीं रहे, लेकिन मानसिक रूप में कल हम लोगों ने जहां जहां हम लोगों ने दर्शन करने के लिए गए थे, हम उसका थोड़ी 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 उसकी मैं बात बताऊं, ठीक है? कल सर्वप्रथम आप लोग ये सोचो, अभी आप लोग कहाँ पर? श्री वृंदावन चौरासी ब्रज मंडल परिक्रमा को ब्रिजबिन ब्रिजबिन तो बैठे हो अब हम कर रहे हैं। इसी भाव से अब सोचो, अभी हम वृंदावन में हम बैठे, हम सर्वप्रथम कल गए श्री दाऊ जी मंदिर में गए। कदी जो दाऊ जी है, कदी ये ब्रज का राजा कौन है? बोले श्री दाऊ दयाल, श्री बलदेव प्रभु, ब्रज की राजा श्री बलदेव प्रभु है। इसलिए जो दाऊ जी को हम लोगों ने दर्शन किया है, इसलिए जो ब्रज में श्री बज्रनाथ कृष्ण की जो बेटा का बेटा का बेटा, उसने चार देव को उन्होंने स्थापन किया है। कहते एक बलदेव, बोले कहाँ पर? बोले दाऊ जी में बलदेव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, और कहते केशव देव और गोवर्धन में हरिदेव, जिसमें ये देव शब्द है, उन्होंने चार देव को उन्होंने स्थापन किया। इसलिए कल हम लोग गए थे बलदेव, गए थे श्री बलदेव प्रभु का दर्शन किया। कहती बलदेव प्रभु कौन है? इनका क्या विशेष महिमा है? इनका क्या विशेष महिमा? कहती श्री बलदेव प्रभु ये कृष्ण से अभिन्न है, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश। कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, केवल इतना फर्क है। इसलिए लेकिन तत्व तो वो एक ही तत्व, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्हें दो रूप में प्रकटित हुए है। एक समय गोलोक वृंदावन में कृष्ण कल्प वृक्षों के नीचे खड़े हुए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं अकेला तो लीला कर ही नहीं सकता हूँ जब तक हम बहु नहीं हो, इसलिए उनने एक अपि बहु श्याम जब इच्छा की तब उनको बाम अंग से श्रीमती राधारानी प्रकट हुई और डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री बलदेव प्रभु को स्तुति करते हैं। बोले संकर्षण कारण तो साई गर्भो साई चपय साई सकला सनित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। श्री नित्यानंद प्रभु को स्तुति करते ये कौन है? ये जो बलदेव प्रभु, कहते ये कृष्ण से अभिन्न श्री बलदेव प्रभु और उनसे जो प्रकट हुई है श्री मूल संकर्षण, और मूल संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, फिर उससे जो संकर्षण फिर तीन विष्णु, कारण तो गसाई विष्णु, गर्भ तो गसाई विष्णु,
खिराब दी साई विष्णु, और शेष रूप में ठाकुर जी की अनंत सज्जा रूप में वो लेट हुए। इसलिए इसलिए जो कृष्ण का जो संपूर्ण स्वरूप है सत चित आनंद, ये तीनों से भगवान का स्वरूप बना हुआ, जो सात अंश में श्री संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता श्री बलदेव प्रभु, और चीद में ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण, और आनंद में आनंद स्वरूप श्री राधा रानी। कृष्ण का तभी ये पूर्ण स्वरूप बनता है, लेकिन जब तक कोई आधार नहीं हो, बलदेव प्रभु कौन है, कदि ये धाम रूप में कृष्ण को भी जो धारण करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु कृष्ण जन्म होने से पहले श्री बलदेव प्रभु जन्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि कृष्ण को प्लेटफॉर्म उनको धारण कौन करेगा, श्री बलदेव प्रभु धारण करते हैं। इसलिए इनका नाम बलदेव, बलदेव मतलब क्या, बल मतलब होता है बल, देव मतलब होता है ये बल का जो अधिष्ठात्र देवता। बोले ये कौन सा बल का ये अधिष्ठात्र देवता, बोले ये भक्ति बल, यही बलदेव प्रभु हमें भक्ति में जो बल देने वाले श्री बलदेव प्रभु। इसलिए जब श्री गर्गाचार्य ने इनका नामकरण किया तो वो भी कहते हैं बोले अयम भी रोहिणी पुत्र रामायण श्रोहित गुण, कहते ये जो रोहिणी का पुत्र है अपना गुण को द्वारा सभी को उन्होंने मोहित करेंगे। बोले बला धिक्यात बलम विदु, इसका एक नाम होगा बलदेव, क्योंकि बड़े बलवान, बड़े बलदेव प्रभु बड़े बलवान थे, इसलिए कहते इनका नाम बल देव होगा, और एक नाम होगा संकर्षण। बोले संकर्षण क्यों होगा, पहले देव की गर्भ में आए और उनको जोग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में उनको स्थापन किया, और कभी जदुवंश और गोप वंश में अगर कभी किसी कारण से अगर मन मुटाव हो जाए, ये दोनों को इकट्ठे करके रखेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। और बलदेव प्रभु इनकी कृपा से ही हमें भक्ति का बल मिलता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदा से करुणा करी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम अकेले, हमें भगवान की भक्ति की बल हमें नहीं मिल रहा है, आप कृपा करके हे वैष्णव ठाकुर, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव ठाकुर श्री बलदेव प्रभु, आप हमें कृपा करके भक्ति की बल हमें प्रदान करो। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले संसारे रपार हैया भक्ति रसागरे, जे डूबी वैसे भजो नीताई चंदेरे। अगर कोई संसार से पार होकर के भक्ति रसों में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, बोले जे डूबी वे अगर कोई गोता लगाना चाहते हो से भजू को निताई चादरे, वो किसकी भजन करे, बोले नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु का भजन करे। इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं, बोले आबध करुणा सिंधु काटिया मुहाना, घरे घरे बोले प्रेम आमियारवान। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, तो उन्होंने उदाहरण देते हैं, जैसे एक तरफ में प्रेम का बाढ़ है लेकिन वो बीच में एक बहुत बड़ा बांध था, डैम था, लेकिन एक तरफ में पूरा की पूरा कृष्ण प्रेम की भरा हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो जो बांध जो डैम को उन्होंने काट दिए, काटने पर क्या होगा, पूरा इतना तेजी से पानी आएगा, सामने जो आएगा उसको डुबा देगा। उसी तरह नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का प्रेम को उन्होंने डैम को काट दिया, तो और वो प्रेम की जो बाढ़ आया और सामने जो आया सबको उन्होंने डुबा दिया है। कहां से, बोले नवद्वीप से प्रारंभ हुआ। इसलिए उदाहरण देते हैं,
महाप्रभु मूल स्कंध है, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, उसमें विशेष करके दो टहनिया, और वो टहनिया बढ़ते 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 कहते एक दिन वो ब्रिजबेन भी पहुंच गया है। वो टहनिया, एक टहनिया, टहनिया में कौन, भले भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के टहनिया से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, ऐसे एक टहनिया आई बास वो ब्रिजबेन में पहुंच गया। और वहां पर जितने भक्त थे ना बास, उनको भी कृष्णा प्रेम में उनको भी डुबा दिया। लेकिन वो प्रेम को लाने वाले कौन है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, नीताई गो नमानी आमार, नीताई गो नमानी आनिया प्रेमेरा बन्या भासाइला अवनी। इसलिए नित्यानंद प्रभु कौन है, बोले नीताई गुण मणि, कहते गुण की मणि सदृश है, बड़े गुणवान है, उन्होंने आनिया प्रेमेर बन्या, इन्होंने ही प्रेम की बाढ़ लाए और सब दुनिया को उन्होंने डुबा दिया। प्रेमेर बन्या लया निताई आयला गौर देशे, डूबिला भगत जन दिन ही न भासे। उन्होंने क्या किया प्रेम को ला करके, उन्होंने ये विचार नहीं किया ये पापी है ये पुण्यात्मा, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। जो भी एक बार आ गया आकर के उनके सामने आ गए, उन्होंने सबको प्रेम उन्होंने प्रदान किया। इसलिए श्री श्री लोचन दास ठाकुर एक कीर्तन में कहते हैं, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमर मन, दयाल नीताय चैतन्य बोले नाचरे अमर मन, नाचरे अमर मन, नाचरे अमर मन, ए मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, दयाल नीताई चैतन्य तेरे हमार मन। कहते हैं जो मन है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम लेकर नाच उठे, बोले क्यों, कारण बोले कारण है नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु, इनका सर फोड़ दिया माधाई तब भी कहते हैं मेरे ची कल सिर काना ताई बोली की प्रेम देन दीवना, भले तुमने सर को फोड़ दिया फोड़ दिया, क्या तुमको प्रेम नहीं दूंगा। इसलिए एक बार केवल श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम के ले लो हैं, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम लो, बस तुमको संसार से उद्धार कर दूंगा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए बलदेव प्रभु के बारे में नित्यानंद प्रभु को तत्व कहते हैं, बोले पूरी शेर कीट है ते मुही से लगिष्ट, जगाई माधाई है ते मुही से पापिष्ट, मोर नाम लय जय तार पुण्य खय, मोर नाम सुने जय तार पाप है, एमन निर्घिन्न मोरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माझा। नित्यानंद प्रभु का महिमा कह रहे, बोले नित्यानंद प्रभु जैसे महिमा जगत में किसी को होगा नहीं। वो कहते बिष्टा की जो टाटी के कीड़े से भी मैं चदा गया बिता, जगाई माधाई कितने पापी थे, चित्रगुप्त जिनके पाप को लिख लेकर घर भर दिया था, लेकिन उनसे भी ज्यादा पापी मैं, मेरे नाम को जो सुनता है उसको पाप होता है, मेरे नाम मेरे मेरे को जो दर्शन करता है उसके सारे पुण्य क्षय हो जाता है। इतने जो हम पापी है, लेकिन ऐसे पापी को अगर कोई कल्याण कौन कर सकता है, बोले एक से नित्यानंद प्रभु, इतने बड़े पापी को से नित्यानंद प्रभु कल्याण कर सकते हैं, जगत में और कोई हमारी कल्याण करने वाले नहीं। इसलिए बलदेव प्रभु का अभिन्न विग्रह रूप में श्री गुरुपाद पद्म जगत में आते हैं, और हम सबको ऊपर में गुरु जी की कृपा, हम जितने बड़े पापी होने पर गुरुदेव हमें हरिनाम दीक्षा देकर गुरुदेव हम संसार से उद्धार करते हैं। इसलिए हमारे जो गुरुदेव को हम क्या समझते हैं, ये नित्यानंद प्रभु अभिन्न बलदेव अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो काम है कहते हमारे गुरुदेव वही काम को करते हैं, वही काम को श्री
गुरुपाद पद्म करके हमारे तक उन्होंने भक्ति को हमारे तक पहुंचते हैं। इसलिए कल हम लोग ने कहाँ पर गए थे, श्री बलदेव प्रभु का पास में गए थे, उनका दर्शन किया, उनसे कृपा प्रार्थना करके फिर हम वहां से फिर हम आगे बढ़े। आगे उसके बाद में हम लोग गोकुल आए। कद इस स्थान का नाम है गोकुल। गोकुल का मतलब क्या? बोले गो मतलब गैया, गाभी, गोप, वेद, पृथ्वी, इंद्रियां है। इसलिए कृष्ण का एक नाम भी गोविंद, मतलब ये सबको जो आनंद प्रदान करते हैं कदी ये श्री गोविंद है। और गोकुल मतलब जहां पर गैया की समूह और जहां पर ग्वाल बाल गोप का समूह, गोपियों का समूह जहां पर निवास करते हैं वो स्थान को गोकुल कहते हैं। इसलिए उसको उदाहरण देते हैं वो गोकुल कैसे, बोले कि जैसे कमल का फूल, जैसे कमल का फूल जैसे पंखुड़िया होती है और बीच में उसका कर्णिकार होता है, उसी तरह जो गोकुल है ये कर्णिकार, ये बीच, और जैसे उसका अलग अलग पंखुड़िया होती है, यहाँ पर जो बार उपवन है, वन है, बार जो उपवन है वो अलग 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 वन रूप में प्रकाशित है। इसलिए कल हम लोग ने गोकुल में गए थे जहां पर कृष्ण ने जन्म ग्रहण जहां पर किया। इसलिए हम कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए हम लोग गोकुल गए थे, जब गुरुदेव गोकुल में आते थे गुरुदेव कहते थे अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भागवत ग्रंथ को पढ़ेगा, जितने जगत में किसको पूछो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, गुरुदेव कहते सारा दुनिया एक ही बात बताएंगे कृष्ण मथुरा में जन्म हुई। लेकिन गुरुदेव कहते थे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए हैं, लेकिन जो कृष्ण जन्म हुए हैं कृष्ण गोकुल में कृष्ण जन्म हुए। इसलिए गुरुदेव का वहां के जो पंडितों के साथ में गुरुदेव बड़े तर्क वितर्क करते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं भागवत केवल पढ़ते हैं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर सिद्धांत की तरंग में, सिद्धांत के अंदर में अगर कोई प्रवेश करना चाहते हैं कहां पर जाकर कथा सुने, मतलब चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के पास में सुने, तभी शास्त्र का गहिरा की गहिरा तत्व को आप समझ सकते हो। इसलिए गुरुदेव वहां पर प्रमाण करते थे, हैं गुरुदेव बोलते थे बोले देखो भागवत में ये बात स्पष्ट रूप में बताई गई कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए गोकुल में। बोले कहाँ पर, कौन सा श्लोक है, कहते गोपी, गोपियों ने जो गोपी गीत को उन्होंने गाए हैं, गोपी गीत का जो पहला श्लोक गोपी राधा रानी सब मिल करके ये बात कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, बोले जयति तिथि काम जन्मना प्रजा इंदिरा शाश्वत्रि दैत दृष्टता कोई धृता सब पान। इसलिए गोपियां कहती है राधा रानी जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, भले हे कन्हैया जब से तुमने ये ब्रज में जन्म लिए हो ये वृंदावन का तो जय जयकार है, वृंदावन की जय जयकार। लेकिन वृंदावन का तो जय जयकार हो रहा है लेकिन ताब का, लेकिन तुम्हारी जो गोपियां है ना केवल वही लोग दुखी है, लेकिन अब सबके सब ब्रज में सुखी, ये कह रहे श्री गोपियां। फिर दूसरा श्लोक, जब गर्गाचार्य जब कृष्ण के नामकरण करने के लिए ब्रज में आए हैं, इतने में श्री वसुदेव महाराज बोले गर्गाचार्य जी आपको तो पता लाला मेरो है, लेकिन मैंने राता रात वहां पर पहुंचा थी, आपको ये बात पता है जब तुम लाला का नामकरण करोगे, एक पानी दे दो तुम, जब नामकरण करोगे ऐसे एक नाम रखियो
जो मेरे साथ में नाम जुड़ता हुआ ये नाम हो, जुड़ता हुआ नाम हुआ हो। इसलिए गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा श्री गर्गाचार्य और साधारण किसी गर्गाचार्य नहीं। इसलिए गर्गाचार्य जब नामकरण किया वहां पर भी गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, कद बोले श्री नंद बाबा बोले प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जात तबा तबात्मज, कि जो बेटा है ना ये तेरा ही बेटा है, लेकिन चूंकि ये कभी वसुदेव का लाला बनकर के जन्म हुआ है इसलिए इसका नाम तो कृष्ण तो होगा ही, लेकिन कृष्ण के साथ साथ में इसका और एक नाम भी होगा जिसका नाम होगा वासुदेव नाम होगा। गर्गाचार्य स्वयं कह रहे नंद के लाला का, जब श्री कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण जन्म लेने पर वहां पर भी कृष्ण जन्म होने पर वहां पर श्री श्री पहला जो श्लोक है, हैं जो पहला जो श्लोक है उस श्लोक में भी कहते हैं बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। नंद के जब लाला भाई हो नंद बाबा बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बड़ी प्रसन्न होकर उन्होंने इतने दूध दही की उन्होंने दान, इतने हीरे जवाहरात उसने दान दिया जिसको ब्राह्मण लोग गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे, वो गठली की कोड़े से गिरते 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 जा रहा था। इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने बताए कृष्ण नंद के लाला है, बोले श्री नंद के लाला की जय, श्री कृष्ण का नैया लाल की जय। इसलिए पितामह ब्रह्मा भी कहते हैं, पितामह ब्रह्मा क्या कहते हैं बोले ये जो कृष्ण है, जो कृष्ण है ये पशुपांग जाय, पशु मतलब जो गैया को जो चराते हैं नंद बाबा, जिनकी अंग से ये प्रकट हुए इसलिए ये नंद बाबा का ही ये लाला है। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक है, माता कुंती जब स्तुति करती हैं वो भी कहती हैं बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने कृष्ण को उन्होंने कहती कृष्ण कौन है बोले ये नंद बाबा का ये लाला। इसलिए बहुत सारे श्लोक है गुरुदेव प्रमाण करते थे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन कृष्ण जो जन्म हुए जैसे माँ की पेट से स्वाभाविक रूप में एक बच्चा जन्म लेता है, इसलिए गुरुदेव और एक बात कहते थे बोले कोई भी ब्रजवासी कभी नहीं बोलेगा कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है उसका नाड़ी काटी जाती है, इसलिए नाड़ी कटने से पहले जो दान है वो दान को अक्षर दान कहते हैं। ब्रज गोपियां बोलती हमने अपना आंखों से देखा, हम लोगों ने अपना हाथों से नाड़ी हमने कृष्ण की काटी, फिर कृष्ण मथुरा से कैसे प्रकट हो गए, जन्म कैसे हो गए। इसलिए कृष्ण कहाँ जन्म हुए कहती ये गोकुल में ही कृष्ण जन्म हुए हैं। इसलिए कल हम लोगों ने गोकुल गए थे जहां पर कृष्ण का जन्म उत्सव को हम लोगों ने वहीं पर जाकर के जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो गोपियों से बढ़ गया अब पाला गोपियों से बढ़ गया अब पाला जियो श्याम लाला जियो नंद लाला पीली तेरी पगड़ी रख काला मतरों का ना हुआ हुआ मतरों का ना समझावे तो नंदा बुआ समझावे तो नंदा जियो जियो श्याम लाला जियो नंद लाला दिल तेरी पगड़ी रख काला नंद की लाला की जय। फिर हम लोग ने उसको बाद में फिर हम लोग ने
उखल बंधन, जहां पर मैया ने कन्हैया को जहां पर उखल में बांध दी थी, हम लोग उखल बंधन में भी हम लोग गए हैं, जहां पर मैया जितना बार कोशिश करते थे बांधने के लिए उसमें दो अंगुल कम पड़ जाती थी। है बोले दो अंगुल क्यों कम पड़ जाती थी, एक अंगुल तो साधक का साधन चेष्टा और जो दूसरा अंगुल है भगवान का कृपा। कहते जब ये दोनों मिलेगा फिर जाकर काम बनेगी। है तो गुरुदेव उदाहरण देते थे एक मार्जार न्याय और एक बंदर न्याय। है मार्जार मतलब होते बिल्ली। अब देखना जो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो कुछ नहीं करता है, माँ उसको मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहां वहां से वहां दिन में दस दस बार घुमाएगा। है ये इसका मतलब है, इसका मतलब होता है जब कोई साधक ये सोचे अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, हम क्या कर सकते, जब उसका इच्छा होगा तब होगा। कुछ तरह का लोग ऐसे होते हैं। हाँ दूसरे तरह का लोग मतलब बंदर न्याय, बंदर का बच्चा बंदर का मैया कुछ नहीं करता है, उसका बच्चा मैया को इसे पकड़ करके रखता है। अब बंदर यहां से वहां वहां से वहां छलांग लगता है, अगर बीच में बच्चा छोड़ दिया ना फिर उसका माँ उसको उठाता नहीं है, ये नियम है, इसलिए फिर नहीं उठाएगा। इसलिए कहते इसका तात्पर्य किया जब कोई साधक चेष्टा करता है अरे हम ऐसे साधन करेंगे ना हम ठाकुर जी को प्राप्त करके रहेंगे, हाँ ठाकुर कहते भैया ये भी काम बनने वाले नहीं, फिर कैसे काम बनेगा, बोले जब ये दोनों मिलेगा। जैसे मैया जसोदा ने पहले तो कोशिश की कृष्ण को बांधने के लिए और उनने पूरा ब्रज की रस्सी खत्म हो गया लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाई। बोले क्यों नहीं बांध पाई, कृष्ण अनंत असीम जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं तो उनको कैसे मैया बांध सकती है, हैं? लेकिन जब अपना सारे चेष्टा खत्म हो गया कृष्ण को बांध नहीं सकी, गोपियां वहां पर खड़ी होकर के मैया की खिली उड़ा रहे थे, बोले मैया तेरे लाला की ललाट में बंधन विधाता ने नहीं लगा तू कैसे उसको बांधोगे। मैया बोले मैं नहीं बांध सकती, बांध करके मैं रहूंगी, मेरे कोख से जन्म लिया, लेकिन जब अपना चेष्टा की लेकिन बांध नहीं सकती। लेकिन कब बांध पाई, जब देखा उसको सारी चेष्टा खत्म हो गई, कृष्ण किस तरह से बांध नहीं पा रही है, और उसी समय में उन्होंने गृह देवता जो नारायण उनके चरण में शरणागत हो गई। बोले हे नारायण तू मेरी लाज को तू बचा, है सबर से शाम तक हो गया इसको पीछे बांध नहीं पा रही, इसलिए कहते माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने, माँ की परिश्रम को देख करके भगवान को बांध नहीं पाई, भगवान स्वयं बंधन को स्वीकार किया, कृष्ण को नहीं बांधी। यहाँ शिक्षा देते हैं हमारे अंदर में ये दो चेष्टा रहनी चाहिए, पहले साधन के लिए कोशिश करनी चाहिए, हैं? जब तक हम साधन नहीं करते हैं हम साध्य वस्तु को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, साधन हमें करनी चाहिए, हैं? जैसे गोस्वामी लोगों ने अब विशेष करके ये जो महीना है और अभी जो समय चल रहा है, देखो ये 20 साल को बाद में ये महीना आया है, हर लास्ट को भीष्म पंचकम कहते हैं, लास्ट 5 दिन होता है, कभी कभी तो 4 दिन हो जाता है 5, लेकिन जो इसी साल में 6 दिन आया है, इसी साल 6 दिन, जब 6 दिन आता है जगन्नाथ जी को एक नया ड्रेस पहनाया जाता है जिसका नाम कहते नागार्जुन वेश, जगन्नाथ जी स्वयं सज धज करके ढाल लेकर अस्त्र शस्त्र को साथ में सज करके अपना भक्तों को रक्षा करने के लिए जगन्नाथ जाते हैं। कहते ये जब लास्ट जो 5 दिन जब 6 दिन होगा तभी ये जाएगा, इसी बार वो 6 दिन पड़ा है, इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को नागार्जुन वेश कराया जाता है। ये 20 साल को बाद में ये साल आए, इसलिए ये जो महीना की ये जो समय है ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति चातुर्मास से पालन करते बहुत बढ़िया है, जो चातुर्मास से पालन नहीं करके केवल कार्तिक मास पालन करते हैं वो और भी अच्छा है, वो भी बढ़िया, लेकिन अगर कुछ कोई जो कुछ नहीं कर पाए अगर लास्ट का जो 5 दिन जो 6 दिन
अगर कोई सही सही रूप में इसको पालन करे तो उसको 4 मास व्रत करने का फल मिल जाता है। इसका मतलब है चतुर्मास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5-6 दिन को अगर अच्छे तरह से कोई करेगा तो उसका विशेष विशेष महिमा। इसलिए इस बार 6 दिन ही आया, इसलिए कोशिश करनी चाहिए इस समय में जितना हम हरिनाम करते हैं थोड़ा ज्यादा माला संख्या बढ़ा दे, ठाकुर जी को रोज थोड़ी सुंदर फूलों से श्रृंगार करे, रोज भागवत ग्रंथ को रोज कोई भक्ति ग्रंथ को रोज पढ़े, भक्ति ग्रंथ को रोज रोज उसका अध्ययन करे। कोशिश करनी चाहिए कि जो लास्ट जो 6 दिन को विशेष विशेष पूर्वक जतन पूर्वक इसको हम जीवन में आचरण करने के लिए। इसलिए इसलिए जो 2 अंगुल 1 अंगुल हो गया साधक का साधना चेष्टा है, मतलब हमें चेष्टा करना पड़ेगा, लेकिन वो चेष्टा कैसे होनी चाहिए, वो चेष्टा होनी चाहिए शरणागत युक्त होकर के। नहीं हम अपना चेष्टा से प्राप्त कर लेंगे ऐसे नहीं, हम तो चेष्टा कर सकते हैं लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी ये चेष्टा फलीभूत नहीं होगा। इसलिए हम लोग उद्दुखल बंधन में गए थे, उसके बाद में हम लोग ने गए रामन रेती, हम लोग ने गए थे रामन रेती, मतलब रामन मतलब होता है बिहार करना, रेती मतलब होता है बालू। इसलिए ब्रज में एक रामन रेती नहीं, ब्रज में बहु जगह पर रमन रहती है, जहां जहां पर कृष्ण गए अपना गोपी सखाओं को साथ में उन्होंने खेला उन्होंने किया है, उस स्थान का नाम पड़ गया रमन रेती नाम पड़ गया। इसलिए कल हम लोग जो रमन रेती गए थे हैं रमन रेती, वो कौन सा रमन रेती, कृष्ण जब गोकुल में जब 3 साल 2 महीना तक रहे और बचपन में वहां पर कृष्ण ने जो लीला की है वो स्थान का नाम रमन रेती पड़ गया। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गए, सखाओं के साथ में जाकर के बच्चों के साथ में धूल में खेल रहे थे जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, और अब लोग बचपन में खेले होंगे कि नहीं पता है, सुन अब लोग खेले होंगे कि नहीं, जैसे बच्चे लोग क्या करते अपना प्यार को रख करके उसको ऊपर में धूल रख देते हैं रेती, फिर जो प्यार को ऐसे निकाल दो देखना एक सुंदर घर सा बन जाता। इसलिए कृष्ण का सखाओ ने रावण रेत में खेल रहे थे और उसको ऊपर में फूल पत्ता लगा देते हैं, कोई कहता है ये मेरे किचन रूम है, कोई कहता है ये मेरे डाइनिंग रूम है, कोई कहता है ये मेरे बेडरूम, सब 8-8, 10-10 ऐसे घर बनाए। कृष्ण ने सोचा मैं भी 2-4 घर बनाता हूँ। इसलिए कृष्ण जब प्यार रख करके उसको ऊपर में धूल रख करके जब प्यार को हटाते हैं वो धस जाता है, वो घर नहीं बनता है। बोले सबका घर बन रहा है मेरा ही घर नहीं बन रहा है, मेरा ही नहीं घर बन रहा है। इतने में आकाश से देवता लोग को दर्शन करते रहे, बोले देखो जिनकी केवल एक इशारा पर, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति विरणम, केवल एक इशारा पर अनंत अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। लेकिन आज ठाकुर जी 2-4 घर रेतियों का 2-4 घर को बना नहीं पा रहे, इसलिए सारे देवता लोग आकाश मार्ग से सारे देवता लोग दर्शन कर रहे थे। इतने में कृष्ण क्या किया, कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, बोले रेती नहीं बन रहा है। इतने में कृष्ण जहां पर उन्होंने मिट्टी को उन्होंने खाया था, इसलिए हम लोग कल ब्रह्मांड घाट में भी गए थे जहां पर कृष्ण जब उन्होंने मिट्टी खाए सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया आज कान्हा ने मिट्टी खाई। मैया बोली अभी तक मक्खन खाता था चोरी चोरी करके, फिर मिट्टी खाना शुरू कर दिया, क्या मेरे घर में मक्खन मिश्री की कमी। सीधा मैया वहां पर आई और सीधा कृष्ण को कान को पकड़ी विश्व ब्रह्मांड को जो कान पकड़ कर उठाते हैं बैठाते हैं, आज मैया उसको सीधा कान पकड़ के बोले तू अपवित्र गंधा बच्चा है, मिट्टी तुमने खाई, लेकिन हम क्या कहते हैं नाम अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्थाम गतो विवा जह स्मरे पुंडरीकाख्यम सब आया वेदुचि, बोले जिनका नाम लेते ही बाहर भीतर पवित्र हो जाते हैं, आज मैया उनको कह रहे हैं तू अपवित्र हो,
कन्हैया बताओ तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण सीधा एकदम सफेद झूठ बोल दिए, बोले ना अहम भक्षितवान वो सर्वे मिथ्या विसर्जनम। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सकालों को बोल रहे मिट्टी खाया तुमने, हैं वो क्या वो मिट्टी खाए हो, ये क्या झूठे बोल रहे हैं? बोले हाँ मैया ये सब झूठे बोल रहे हैं। बोले तू अकेला सत्यवादी हरिश्चंद्र, तू अकेला और सब झूठ बोल रहे हैं। बोले ताऊ क्या झूठ बोल रहा है? बोले मैया आज पता नहीं सवेरे उठकर किसका मुंह हमने देखा है, हैं पता नहीं सवेरे किसका मैंने मुंह देखा, बटिका चीज मैंने किसका मैंने मुंह देखा पता नहीं। आज ये जो दाऊ भैया है ना, ये सखाओं के पक्ष में हो गया, लेकिन ये देखने में तो ऊपर गोरे हैं लेकिन ये अंदर में पूरा काले ही काले, काले काले हैं। मैया में ऊपर में तो काला हूँ लेकिन मैया अंदर से मैं बड़ा गोरो हूँ। यहाँ पर क्या कृष्ण क्या बोलते हैं? बोले दाऊ बलदेव प्रभु ऊपर तो गोरे हैं लेकिन अंदर से काले, क्योंकि बलदेव प्रभु मेरे को चिंतन करते हैं। इसलिए आप ब्रज में कहीं भी जाओगे कहीं बलदेव प्रभु का गोरे नहीं देखोगे, सब जगह में देखोगे काले ही काले, बलदेव प्रभु काले ही काले देखोगे। इसलिए ये कहते वो अंदर अंदर मेरे को चिंतन करते हैं ना, इसलिए वो अंदर से काले लेकिन ऊपर में तुम्हें कारा हूं काला हूं लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूं। मतलब क्या? बोले मैं हर समय, बोले आत्मा तो राधिका है, वह मेरा जो आत्मा है ना वो श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी गोरी है इसलिए मैं गोरो हूँ। बोले जो सखा लोग बोलते हैं, बोले मैया आज क्या हुआ तुमको पता? बोले क्या? बोले ये सखा लोग ना अपना घर से चुरा चुरा करके लड्डू कचौड़ी मालपुआ हाँ मिठाई चुरा चुरा करके लाते हैं, और तुमको पता होगा मैं चोरी का चीज कभी खाता ही नहीं है। इन लोगों ने मेरे को जोर जबरदस्ती बोले तुम खा लो और मैं खाया नहीं, समझ गए कृष्ण खाया नहीं। हमारे घर में जा करके मैया को पास में ये चुगली करेगा, हमारी निंदा करेगा, इसलिए मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर दिए। और तू बड़ी भोली भाली, तू मेरे बात नहीं सुनती हो इनकी बात सुनती रहती है। इसलिए कृष्णा, लेकिन जो हर माता है अपना बच्चे का करतुत मतलब बच्चे का क्रिया, हर माता को पता मेरे बच्चे कैसे है। मैया को पता मेरे कान्हा जो है ना बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे अगर मैं बोल दूं, अगर हमने मिट्टी खाई तो मुंह से तो खाई, इसलिए मेरे मुंह खोल कर देख ले। इतने में कृष्ण ने बोले मैया मेरे मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण सोच रहे थे अगर मैं बोलूंगा तो मैया मेरे मुंह नहीं देखेगा, लेकिन मैया कहाँ छोड़ने वाली, मैया तो एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने एक फटकारा लगाए कृष्ण को तो डर गए और झट उनकी मुंह खोल गया। जो मुंह खोल गया अभी कृष्ण सोच रहे हैं मेरे मुंह में तो मिट्टी खाया, अभी तो कुछ मिट्टी लगा हुआ, और एक मैया के हाथ में छड़ी डंडा और एक हाथ में कान पकड़ के रखी। बोले अगर मैया ने देख लिया मेरे मुंह में मिट्टी है फिर तो एक डंडा नीचे नहीं गिरेगा सो पीठ के ऊपर गिरेगा। इसलिए कृष्ण क्या सोच रही हैं, मैया मेरे को मारे नहीं। लेकिन कृष्ण की एक इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति जो जोग माया कृष्ण की इच्छा होते ही वो सारी इच्छाओं को पूरी करती है। कृष्ण की क्या इच्छा? मैया मेरे को मारे नहीं। इतने में जोग माया ने देखा अगर कृष्ण के मुंह में मैया ने मिट्टी देख लिया फिर तो डंडा तो डंडे को डंडे पड़ेगा। अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु को अगर पीट गए मार खाए पर मेरे रहना बेकार है। इतने में जोग माया ने क्या की, वो छोटी सी मुंह में उन्होंने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र कितने ब्रह्मा शंकर सारे सब कुछ उनको मुंह में दिखा दिया, और मैया खुद को खुद देख रहे थे उसके अंदर में मैया भी बैठी हुई है। इतने में जब मैया ने देखा विश्व ब्रह्मांड को, अरे मैया भी डर गई, बोले भाई ये हो ना हो मेरे लाला भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान को अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। मैया ने देखा, जब जब कृष्ण ने देखा मैया की भावना हो रही है ये तो भगवान नहीं, फिर कृष्ण डर गए। बोले क्यों? बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ अरे क्या करेगा।
जैसे घर में सालक राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाई और थोड़ा बताशा भोग लगा देती, थोड़ा दूध और घंटा हिला करके, तुम्हें माता चत पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्यांग द्रविण, तुम्हें सर्वम मम देव देव, जैसे करती है। फिर दरवाजा बंद कर देती है, मैया भी मेरे को छोटी सी घर बना करके उसका अंदर बंद कर देगी, और जो मैं सखाओं को साथ में खेलता कूदता सुखा था। कृष्ण की क्या इच्छा है, मैया ऐसे नहीं करे। और एक कृष्ण की इच्छा समझ करके जो जोग माया, जिनकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है, इतने में जोग माया देखा भाई गड़बड़ी हो गई, उनने सारे लीला को उन्हें अंतर ध्यान कर दिया है, सारे लीला को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया। अरे मैया देखती है वो छोटी सा मुंह और कुछ नहीं है, छोटी सी मुंह और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर कृष्ण मिट्टी खाए थे, आप बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो मिट्टी, कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं। तब कृष्ण यहाँ झूठ क्यों बोले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेंगे कृष्ण जब झूठ बोले दोष नहीं, अरे हम झूठ बोले हमारी दोष है, अरे बड़े लोग जो करेंगे तो छोटे लोग तो वही करेंगे। हाँ भगवान झूठ बोले हमारा कोई दोष नहीं, हमारे झूठ में पाप लगता है। तब यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है बोले सत्यंग परम धीमहि, वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। और जब कृष्ण मातृगर्भ में आए, सारे 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा शंकर जितने देवता कृष्ण को गर्भस्तुति भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बोले सत्या व्रतम सत्या परम त्रि सत्या सत्य सजोनी नीतम च सत्य सत्य सत्या मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। सारे देवता भगवान को सत्य सत्य बोलकर प्रार्थना कर रहे थे, तो वो झूठ कैसे बोलेंगे हैं। तो वल्लभाचार्य जी उन्होंने दो उदाहरण दिया, कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोले, बोले कैसे, बोले जो शब्द है ना अहम भक्षित वा नभो, जब उसको ना अहम मतलब मैं नहीं, माँ मैं नहीं मिट्टी खाई, उसको जब अलग करते हैं होता है मैं मिट्टी नहीं खाई, लेकिन वो शब्द को जब अलग नहीं करके एक ही शब्द रहता है नाहम, नाहम का पर्यायवाची में उसका एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तुमने मिट्टी की क्या बात करती हो, ये तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, देख ले मेरे मुंह को, उनने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। एक अर्थ वल्लभाचार्य ने अर्थ, दूसरा अर्थ कहते हैं वल्लभाचार्य, कहते खाना किसको कहते हैं, जब हमसे कोई चीज अलग होता है, जब वो चीज को हम खाते हैं उसको खाना कहते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा मैंने मैया कब खाई, देख ले ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, ये विश्व ब्रह्मांड है, जब मेरे अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है मैंने खाया कब, सारा दुनिया तो मेरे में, इसलिए कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर कृष्ण ये मिट्टी खाए तो कृष्ण मिट्टी खाए क्यों, कारण क्या है, बोले कारण बताए, कृष्ण कह रहे हैं कि जो कद मैया तू सोच रही हो मैं अकेले मिट्टी खाया, नहीं मैया मेरे अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, ये ब्रज रज को तो विश्व ब्रह्मांड, ये ब्रज रज को विश्व ब्रह्मांड प्रार्थना करते हैं। उद्धव जी जब ब्रज में आए और उनने ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, गोपी राधा रानी को प्रेम देखा, उद्धव जी क्या कहते हैं, बोले आशा महो चरण रेणु जुसांग महंग श्याम वृंदावन किमपि कुलम लतोस, इतना उद्धव जी चाहते हैं मैं वृंदावन के घास बन जाऊं, जो गोपियां चल करके कृष्ण को साथ में अभिसार करने जाएंगी, अगर घास बनेंगे तो उनका चरण धूलिया हमारे सर पर पड़ेगा, पड़ेगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव भी चाहते हैं कि तुम वहां गुलम लता क्यों होना चाहते, लता क्यों बनना चाहते हैं, बोले अगर लता बन करके रहेंगे, कृष्ण जब प्रमद मदन लीला कंदर कंदर थे, जब कृष्ण कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अगर लता पता बन करके जाएंगे तुमको दर्शन हो जाएगा, कहते वहां की औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते। बोले क्यों, बोले कभी जब बीमारी होगी दवा खाएंगे, अगर मैं औषध वृक्ष बनूंगा तो उनका हृदय में चला जाऊंगा,
ब्रह्मा जी, ब्रह्मा भी वही धूल को प्रार्थना करते हैं। क्या ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले तद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम जत गोकुल अपि कथमांग्री रजो विषेकम्। ब्रह्मा भी कहते बोले प्रभु मेरे को ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर को सामने पत्थर जन्म दे दो, जब वो घर को प्रवेश करेंगे मेरे सर को ऊपर अपना चरण रगड़ेंगे तो उनकी चरण धूलि मिलेगा तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। किसने कहा ब्रह्मा जी आप इतने बड़े होकर के आप क्या कह रहे हो, छोटे जातियों का चरण धूलि लोगे? कहते नहीं जत मुकुंदम, कहते ये लोग भी बड़े भाग्यवान क्योंकि कृष्ण जब हंसते हैं उनका जो हंसी है ना कहते कुंद पुष्प जैसे उनके दांत है, उनका कृष्ण की हंसी देख करके ब्रजवासी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उनका जो सौभाग्य है ना मेरा भी इतने सौभाग्य नहीं, ब्रह्मा भी चरण धूलि चाहते हैं। इसलिए आपका एक भजन पता होगा, बल राधे तेरी चरणों की ब्रज धो लो जमिली जाए, राधे तेरी चरणों की। इसलिए ये भजन में क्या कहते, बोले राधे तेरी चरणों की ब्रज धूल जो मिली जाए। इसलिए रसखान कहते हैं, रसखान क्या कहते हैं, बोले रमन रहती लेट नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन क्या तू समझे ब्रज की तत्व महान। अगर ब्रज का तत्व को ही समझना चाहते हैं उनको ब्रज में आकर दो काम करना पड़ेगा। बोले क्या, जो ब्रज धूल में लेट लोट खाना पड़ेगा, ब्रज रज को खाना पड़ेगा और यमुना में स्नान करना पड़ेगा। जब तो वो ये दो चीज नहीं करेंगे बोले ब्रज की महिमा को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये धूल को खाए पर इतने में कृष्ण संतुष्ट नहीं हो गए, कृष्ण फिर जब बछड़े बने हैं, ब्रह्मा जी इसमें ग्वाल बाल को चोरी किया उस समय कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए। बछड़े बनकर क्या किया उन्होंने, घास, बछड़े घास खाते हैं, जब घास खाए उन्होंने ब्रज रज का जो सुगंधी को है, ब्रज रज जब कोई खाते हैं घास मिट्टी से बनता है उसका सुगंधी को भी कृष्ण बछड़े बनकर उनकी सुगंधी को लिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण बचपन में क्या करते थे, एक दिन मैया यशोदा कृष्ण बलराम को श्रृंगार किया, बड़े सुंदर श्रृंगार करके बोले तुम दोनों बच्चे खेलो मैं घर का काम करती हूँ। कृष्ण बलराम ने देखा जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आती है पता नहीं मैया ये गो की चरण की जो धूल और गोबर और गोमूत्र से हमें स्नान कराती है, ये क्यों स्नान कराती है, इसमें है क्या चीज, चलो आज हम दोनों भैया गोबर गोमूत्र और जो कीचड़ यहाँ के जो शरीर पर लगाए। और कृष्ण बलराम गए और जितने कीचड़ था और गोमूत्र गोमूत्र सारा शरीर को उन्होंने पोंछ दिया। इतने में मैया बोली दोनों दुष्ट गए कहाँ, बोले कन्हुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो, बोले मैया हम तो यहाँ, बोले वहां क्या कर रहे हो, जा करके देखा जितने सारे गोबर गोमूत्र और कीचड़ से सने हुए। मैया को तो क्रोध आ गया, बोले अभी अभी तुम दोनों का मैंने इतना सुंदर श्रृंगार किया और जा करके सारे श्रृंगार बिगाड़ दिया। एक कान पकड़ कर कहते हैं बोले तुम सुकरसी गतपोत नारी, कहते पुतना के अरी क्या तुम सुकरसी, क्या तू पूर्वज में सुअर था, ये गया ये मिट्टी में और गोबर में कौन लोट पोट खाते, सुअर खाते हैं और तू क्या पूर्वज में सुअर था। कृष्ण इसे मुंडी हिलाए बोले मैया हम तो सुअर थे लेकिन तेरे को कैसे पता चला, तेरे को कैसे पता चला हम पहले सुअर थे, क्योंकि भगवान बराह अवतार लेकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उधार किया था और उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया था। इसलिए कृष्ण ये ब्रज रज में उदाहरण देते हैं पंका, ये जो कीचड़ में कृष्ण जैसे सर्प जैसे हैं, सर्प जैसे कीचड़ में चलता है कृष्ण बचपन में, ऐसे ये ब्रज रज में कृष्ण चलते थे और ब्रज रज को शरीर में लगाया करते थे। इसलिए कहते इनकी बात छोड़ दो, कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले अनु ब्रजामि अहम नित्यं पुये एत अंग्री रेणु भी, मैं भी भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों, बोले इनका चरण धूलि सर्प
उड़ करके मेरे सर के ऊपर पड़े और इनकी चरण धूलि की प्राप्त करके मैं अपना जीवन को धन्यादि धन्य बना दूं। इसलिए कृष्ण स्वयं ब्रज का चरण धूलि, संतों का चरण धूलि में कृष्ण स्वयं अभिषिक्त होना चाहते हैं। और जो ब्रज का जो रज किया है ये ब्रजवासियों का ये चरण धूलि। इसलिए हम लोग जो ये तिलक लगाते हैं, तिलक कहाँ से आता है? ये नारद जी जब कृष्ण बुखार का लीला की है, उन्होंने सर दर्द बुखार की लीला की, जब नारद जी ने पूछा प्रभु जगत में आपके सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले समय आने पर बता दूंगा। उन्होंने बुखार सर दर्द की लीला की, लेकिन वैद्य को बुला करके दबा दिया, लेकिन सही नहीं हुए। नारद जी बोले प्रभु सही कैसे होंगे? बोले कोई भक्त अगर चरण धूलि दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए तो सही हो जाओ। बोले भैया यहाँ पर द्वारका में बहुत सारी भक्त पूछो, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने बोले तू वृंदावन में जा, जब वृंदावन में गए जितने ब्रजवासी लोग थे सबके सब चरण को रगड़ रगड़ करके अपना धूल को इकट्ठे करके नारद जी का सर पर रख दिया, बोले जा कृष्ण का स्नान करा देना। नारद तो अक्के बक्के चक्के रह गए, बोले तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान क्या इनके चरण धूल देकर नर्क जाना चाहते हो? तो नारद तब श्री गोपियां क्या कहती हैं, बोले एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के लिए हम नर्क जाने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण का दुख को हम सहन नहीं कर सकते। हमारी चरण धूल से अगर कृष्ण की सुख होगा, आनंद मिलेगा, बुखार सही होगा, हम उसका ही सुख देखते हैं। बोले भैया असली भगत यही लोग, वही जो चरण धूलि, वही जो मिट्टी है वही का चरण धूलि है। इसलिए कुछ तो चरण धूलि वहां पर गिरा और कुछ चरण धूलि नारद लेकर के जो नवद्वीप जो धाम है, वो नवद्वीप धाम नहीं है, ब्रजवासियों का चरण धूलि है। कुछ चरण धूलि लेकर के नवद्वीप धाम में वही गिरा तो वही श्री नवद्वीप धाम बना। बोले श्री नवद्वीप धाम की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए कल हम वहां पर गए थे, जाकर के वहां पर खूब लौट पोट खाए, वहां पर है रमन रीति में हम लोग खूब धूला में खेले और वहां पर लौट पोट खाए। उसको बाद में हम लोग ने रावल गए थे, जैसे रावल में राधा रानी की जहाँ पर जन्म हुई है, इसी कल्प में राधा रानी रावल में जन्म हुई। इसलिए और किसी कल्प में कृष्णा राधा रानी बरसाना में कहीं प्रकट होती है, लेकिन इसी कल्प में राधा रानी ये रावल में ही जन्म हुई और कृष्ण पास में गोकुल है, कृष्ण पास में रहे जन्म हुए। क्योंकि नंद बाबा और वृषभानंद महाराज ये दोनों आपस बड़े मित्र थे, जहां भी जाते थे दूर नहीं रहते थे और अपना पास पास में रहा करते थे। इसलिए जो राधा रानी, हाँ और कितना समय कथा सुनोगे? बोलो समय है जी। आप बोलो और कितना समय सुनाएंगे? ठीक है, हाँ हमको तो जाना है इसलिए और 10 मिनट सुना देता हूँ, ठीक है? और 10 मिनट राधा रानी की जन्म कथा सुना देता हूँ, ठीक है? इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी है राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, बोले श्री वृषभान राज नंदिनी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए हाँ राधा रानी की श्री रूप गोस्वामी ने ललिता माधव विदग्ध नाटक में जो राधा रानी की जन्म कथा कैसे दिया है उसको सुन लो, ठीक है? इसलिए कहते श्री जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो बेटी ये पार्वती है और पार्वती का जो पति शंकर जी, शंकर जी होने के नाते इस हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान है। मेरे जो दामाद है देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, सत्यम शिवम सुंदरम, जो दूसरे दूसरे पर्वतों को पास में जाकर के अपना बढ़ाई करता है। जैसे इसी जगत में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं तो कोई मुख्यमंत्री, अगर हमारी कोई संबंधी हो जाए ना, भले ही दूर से संबंधी हो,
हम क्या करेंगे? पहले पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे मेरे अमुक का अमुक का अमुक का अमुक लगता है ये प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए कहते उसी तरह ये हिमालय पर्वत भी हर पर्वत को पास में जा जा करके अपना अभिमान करते, अरे जानते हो मेरे दामाद कौन है? और साधारण नहीं, योगी योगी महायोगी है, शंभु स्वयं 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 भोले बाबा। अभी एक विंध्याचल पर्वत था, उसको भी बड़ा अभिमान हुआ, तो सब जगह में जाकर के अपना डी हाँकता है, अपना अभिमान करता है। बोले मैं, उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को आराधना की। जब पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बोले मेरे को ऐसे जो दामाद चाहिए जो हर गुण से शंकर जी से बड़े हो और शंकर जी उनका सेवक हो, है? तो ब्रह्मा जी तथास्तु कर दिए। लेकिन ये दामाद कब होगा? घर में बेटी हो तभी तो दामाद होगा ना, बेटी के बगैर दामाद कहाँ से आएगी? लेकिन बेटी साधारण बेटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शंकर जी से हर गुण में अगर कोई सुंदर है, कोई बलवान है, कोई महिमा युक्त कौन? ये कृष्ण ही है। और कृष्ण का शक्ति श्री राधा रानी, अगर इनकी बेटी श्री राधा रानी हो फिर तो काम बनेगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कर दिए। लेकिन जो राधा रानी वो नित्य कीर्ति का पुत्री है, हैं? ये कीर्तिका की पुत्री श्री राधा रानी, अभी अभी मैया कीर्तिदा गर्भवती थी। लेकिन ब्रह्मा जी जोग मैया को आदेश दे करके कीर्तिका के गर्भ से उन्होंने बच्चे को आकर्षण करके और उन्होंने स्थापन कर दिया श्री विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में। और इनको ऐसे लगा मानो मेरी गर्भपात हो गया, तो गर्भ नष्ट हो गया ना, गर्भ गायब हो गया। लेकिन अंदर की बात पता ही नहीं चला। उपयुक्त समय होने पर विंध्याचल की जो पत्नी, उन्होंने दो कन्या को जन्म दिया, एक द राधा रानी और एक चंद्रावली। इसलिए चंद्रभानु का जो पत्नी थी चंद्रसेना, उनकी भी बच्चे को लेकर के चंद्रावली को उनकी गर्भ में स्थापन कर दिया था। इसलिए उनको दो कन्या जन्म हुई, एक तो राधा रानी और एक श्री चंद्रावली जन्म हुई। जब दो कन्या की जन्म हुई, लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय वसुदेव महाराज गोकुल में कृष्ण को रख करके वहां से कन्या को जोग मैया को लेकर के आए, जब कंस को पता चला मेरा अष्टम गर्भ का संतान जन्म लिया, कंस भागते भागते आया और अभी तक था थी तो जोग माया, लेकिन कंस पकड़ते ही होगी महामाया। उन्होंने उसको प्यार को पकड़ करके जो उसने मारने के लिए गए, इतने में उसने चरने की एक ठोकर मारे और मार करके वो आकाश में उड़ गई और आकाश में बोले उड़ करके बोले हे मुड़ा कंस, तू मुझे क्या मारोगे? तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया, लेकिन वो अकेला जन्म नहीं, उसको शक्ति को साथ में उसने जन्म लिया। और मैं जितने सुंदरी हूँ, मेरे से भी वो ज्यादा सुंदरी है, मेरे से भी ज्यादा गुणवान है, मेरे से भी ज्यादा रूपवान है, हैं? अगर उसी लड़की को साथ में किसकी शादी होगी, वो कभी उसका पति कभी मरेगा नहीं, वो अजर अमरत्व को प्राप्त करेगा, जगत में सारा दुनिया में उसका जस फैलेगा। कंस ने जब उसने पुतना को भेजा, पुतना को बोले पुतना एक काम करियो, अगर कहीं लड़का मिले तो उसको मार देना, लेकिन अगर कोई लड़की मिलेगा ना उसको मारना नहीं, क्योंकि ये मेरी जो देवी ने, जब मैं इसको पूजा करता हूँ, ये देवी खुद बताए उसको साथ में जिसकी शादी होगी सारा दुनिया में उसका जस फैलेगा, महिमा फैलेगा, इसलिए उसको मारना नहीं। इतने में पुतना ने किया कि वो उड़ते हुए गई और वहां पर श्री विंध्याचल पत्नी, वहां पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में पुरोहित बैठ करके यज्ञ कर रहे थे और वो दोनों बच्चे उनकी पत्नी की गोद में थी और उन्होंने दोनों बच्चों को पुतना ने पकड़ करके उन्होंने आकाश में उड़ चली, हैं? एकदम आकाश में उड़ चली। जब आकाश में उड़ चली, इतने में जब विंध्याचल ने बताए उनको पुरोहित को, तुम ऐसे उच्चाटन मंत्र को, मारण मंत्र को प्रयोग करो जैसे ये पुतना मर जाए। उन्होंने मंत्र को उन्होंने भेजा, मंत्र जब छोड़ा, इतने में पुतना छटपट 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 करने लग गई और इतने में उन्होंने
दोनों कन्या को, एक कन्या जहां पर चंद्रावली का घर है एक कुंड में फेंक दिया और दूसरे कन्या को उन्होंने यमुना में फेंक दिया। इतने में रोज वृषभानु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते थे। जब स्नान के लिए गए देखा एक सतदल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक बालिका किलकारी मारते हुए अपना अंगूठा चूस रही है, शरीर का ज्योति से चतुर्दी का उजाला उजाला उद्भासित हो रहा है, एक सुंदर बच्ची बहते 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 बता है। इतने में श्री नंद बाबा श्री वृषभानु महाराज पानी में उतरे और वो लाली को अपना गोद में ले लिया। बोला श्रीमती राधा रानी की, उन्होंने गोद में लेकर के वो बेटी को उन्होंने अपना पत्नी को दिया। बोले देखो ठाकुर की बड़ी कृपा है, ठाकुर ने हमें एक लड़की दी, लेकिन वो लड़की जन्म से ही आंख बंद करके रखी। बोले क्यों? बोले जब सर्वप्रथम में अपना आंख खोलोगी सबसे पहले अपना प्रियतम कान्हा को देखोगी, फिर ये दुनिया की किसी चीज को देखोगी। इतने में श्री वृषभानु महाराज ने नौता दिया नंद बाबा को, जे मेरे घर में लाली भाई आओ। इतने में श्री श्री हमारे नंद बाबा भी अपना कान्हा को लेकर के आए और जिस बिस्तरा में श्री राधा रानी लेट हुई थी उसमें उन्होंने कृष्ण को लेटा दिया। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथ को श्री राधा रानी के ऊपर हाथ रख, उनको शरीर के ऊपर हाथ रखते ही कृष्ण का हस्त स्पर्श से राधा रानी को रोम रोम खेल उठा। वो समझ गई मेरे प्रियतम आ गए हैं, फिर उन्होंने अपना आग खोल दिया। जब आग खोले और सामने उन्होंने श्री श्याम सुंदर को देखा, वृषभानु महाराज तो उत्सव मना रहे थे, लेकिन जब देखा मेरी बेटी ने आज आग खोल दी तो और भी ज्यादा आनंदित हुई, ज्यादा आनंदित होकर के बड़े धूमधाम से उन्होंने राधा रानी के उन्होंने जन्म महोत्सव मनाए। बोले श्रीमती राधा रानी की, ईश्वरी जो की, मेरे पीछे पीछे कीर्तन कर दो। बोले राधा जन्म सुनी आई रे भैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी बोलो राधा जन्म सुनी आई रे भैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, बिछुआ भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, बिछुआ भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, बिछुआ भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, मैया साड़ी भी लूंगी, राधा जन्म सुनी आई रे, के दे दो बधाई रे भैया दे दो बधाई, कंगण के दे दो बधाई रे भैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई रे भैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई रे भैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाली जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, अरे जन्म सुनी आई मैया दे दो बधाई। बोला श्रीमती राधा रानी की जय।
श्री वृषभानु महाराज की जय। श्री कृतिका सुंदरी की जय। श्री ब्रजबीन के भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महाराज की जय। महाराज जी कल आप इसी समय कर सकते हैं कथा? कल मुझे लगता है प्रभु जी कल सब बरसाना जाएंगे। अच्छा सुबह जल्दी निकलेंगे। कल है ना कल बरसा नहीं नहीं कल कल कहाँ पर बरसाना है ना? हाँ कल बरसाना जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से 6 बजे हैं, हम लोग यहाँ से 6 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, 6 बजे निकल जाएंगे। अगर आप लोग और 1 घंटा आगे, अगर अभी कितना टाइम हो गया, अभी कितना टाइम हो गया? अभी हो गया। आपने वहाँ शुरू किया 10:30 बजे थे, अभी यहाँ 11:30 बजे अभी यहाँ। हाँ अभी यहाँ 12 बजे। हाँ आपको 12 बजे रहा है। अगर यहाँ से अगर प्रभु जी और जल्दी अगर आप आ सकते हो, हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 6 बजे हम निकलेंगे। पिछले 6 बजे से पहले हैं, 6 बजे से पहले हम बरसाना से करेंगे कथा व्हाट्सएप। हाँ बरसाना में तो हम कथा करेंगे वहाँ बरसाना में जो जाए, लेकिन आप लोग जैसे यहाँ पर बैठ गए इकट्ठे सुन लिए, लेकिन वहां पर तो ऐसे नहीं होगा ना, वहां पर तो अलग अलग जगह पर बैठेंगे, अलग अलग जगह कथा सुनेंगे। मैं सांकरी खोर में कथा सुनाऊंगा होगा तो, इसलिए अगर आप वहां से व्हाट्सएप करें तो हमें भी दर्शन हो जाएंगे सांकरी खोर के। इनको इनसे पूछ लो ये फेसबुक यूज करते हैं क्या? आप लोग फेसबुक यूज करते हैं ना? हाँ फेसबुक कर सकते हैं। ये फेसबुक में ये भेज देंगे, प्ले करके फेसबुक भेज देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। आप लोग अपना कोई भी है ना, आप लोग अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए तो मैं फेसबुक लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा, तो जितने भी जिस स्थल पे कथाएं होती है वहां का आपको सब वीडियो मिल जाएगा, आप लाइव देख लीजिएगा वहां पे। तो आप लोग मेरे को एक बार एक कोई भी हरे कृष्णा करके एक मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दो, तो फिर मैं उस पे आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको जो है आप उससे कंटिन्यू जो है वो देख पाएंगे, सारे के सारे जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं स्थलियों के वो भी आप सुन पाएंगे। प्रभु जी का नाम, प्रभु जी आपका क्या नाम है? चैतन्य चंद्र दास। पहली कथा कहाँ होगी? साकरी खोर में। पहले कथा होगी भानु खोर में। पहले कथा होगी भानु खोर, उसको बाद में फिर होगा तो मैं शायद बोलूंगा साकरी खोर में कथा बोलूंगा। फिर वो क्या है, बीच बीच में परिक्रमा जाती रहेगी, बीच बीच में कथा होती रहेगी। अभी महाराज कितने बजे? 7 बजे। यहाँ अभी कितना बजे है? आज अभी कितना समय है? अभी तो 7:30 हो गए। अभी 7:30 हो गए, 7:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी कल की वहाँ पर। हाँ वहाँ पर तो अलग अलग समय पर होगी ना, इसलिए कल संडे है ना? हाँ कल संडे है। कल संडे है, एक बार मैं बोलूं कुछ। अगर सवेरे अगर 5 से लेकर के 6 तक अगर आप बैठ सकते हैं, 5 से लेकर के 6 तक जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे पहुंचेंगे नहीं, यहाँ पे लोग सोते रहेंगे, लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर आप वहाँ पर 8 बजे आपके समय 8 बजे करें कथा, मैं व्हाट्सएप से कॉल करके बताता रहूंगा इनको, किसी का नंबर जो नहीं है। जैसे ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए ना, वहाँ पर जैसे आज किसको घर में इकट्ठे हुए हैं? अभी आज हम लोग रविंद्र प्रभु के घर पे। रविंद्र, फिर कल कहाँ पर इकट्ठे होंगे?
कल प्रभु महाराज जी हमारे घर पे प्रकाश प्रभु आपका घर में। हाँ लेकिन जब यहाँ पर 5 बजा होगा आपको वहाँ कितना समय होगा? 9:30 उस समय तक सभी आ नहीं पाएंगे, सभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारा समय अगर आप 12:30 यानी वहाँ का समय आप अगर 7 बजे आपने अपने समय 7 बजे करे कसा तो हमें ठीक पड़ेगा। हम यहाँ का सबर 7 बजे रात को नहीं दिन में सुबह 7 बजे अभी उस समय में मैं वहाँ पहुंच जाएंगे, परसाना पहुंच जाएंगे 7 बजे तक। हाँ पहुंच जाएंगे, पहुंच जाऊंगा फिर मैं पता नहीं उस समय कैसे क्या स्थिति होगा ना प्रभु वहाँ पहुंच करके। हम लोग उस समय फोन करके बात कर लेंगे। ठीक है फोन करके ना अब इसकी फोन नंबर में बात करना। जी जो अभी उसने जो फोन नंबर दिया है ना आप इसी फोन नंबर से बात करना होगा तो इसी फोन से मैंने आपको कथा सुना दूंगा। ठीक है ठीक हरे कृष्ण श्री महाराज की जय।